गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर शासन की योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत प्लेटफार्म नंबर एक पर टेराकोटा का स्टॉल लगवाया गया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट लगाया जाएगा, जिसके लिए रेलवे स्टेशन पर टेराकोटा का स्टॉल लगवाया गया है, क्योंकि टेराकोटा गोरखपुर का ही हस्तनिर्मित वस्तु है जिसको मुख्यमंत्री योगी ने भी सराहा है, जिसको देखते स्टेशन पर स्टॉल लगा है कि कोई भी यात्री अगर स्टेशन पर आए तो वह टेराकोटा को ज़रूर देखे कि यहाँ की कौन सी वस्तु फेमस है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में दो स्टेशन चुने गए हैं जिसमें बनारस व गोरखपुर शामिल है। इन दोनों स्टेशनों पर टेराकोटा का स्टॉल लगवाया गया है, जिसमें आजमगढ़ की बनी हुई ब्लैक पॉटरी का स्टॉल लगवाया गया है और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर टेराकोटा का स्टॉल लगवाया गया है, जिससे यहां के टेराकोटा व्यापारियों का मान बढ़ा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का, कि एक स्टेशन पर एक प्रोडक्ट हम लोग शोकेस करेंगे, उसके लिए स्टॉल लगाएंगे, जगह देंगे, जिससे उस स्टेशन के आसपास का अगर कोई लोकल प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हाईलाइट करना है या कोई भी वहाँ से यात्री जाते हैं तो समझ सकें कि यहाँ का क्या चीज़ फेमस है, उसको ध्यान में रखते हुए यह डिसीजन लिया गया था। और इसी क्रम में पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर पूर्वोत्तर रेलवे में दो स्टेशन चुने गए हैं, बनारस और गोरखपुर। बनारस में आजमगढ़ की बनी हुई ब्लैक पॉटरी, उसका स्टॉल लगाया गया है, और गोरखपुर में टेराकोटा, जो कि यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, उसका स्टॉल लगाया गया है। इस तरह के स्टॉल लगाने से जो ग्रामीण हमारे जो हस्तशिल्प के माध्यम से इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे टेराकोटा के बर्तन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेशन पर एक स्टॉल पर लगाई गई हैं। इससे जो यात्री पर डे आ रहे हैं जा रहे हैं उनको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ों की विशेषता है गोरखपुर में, तो टेराकोटा का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो वर्ग इन चीज़ों को बनाता है उनका उत्साहवर्धन हुआ है कि उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से मिला है।